हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी में 32,000 नई भर्ती के विज्ञापन को लेकर सीएम योगी के माध्यम से दी गई जानकारी के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर भर्तियों को लेकर जो चर्चाएँ वो शुरू हो चुकी हैं और इन भर्तियों को लेकर जो प्रोसेस हैं वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। इसी बीच अगर बात की जाए 9,000 नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, एक खुशखबरी भी है यहाँ पे। यूपी के अंदर 6 साल बाद भर्ती को लेकर नोटिस जारी की गई है। छात्रों के माध्यम से जब 6 साल इंतजार किया गया तो उनके दिल से जो कहीं ना कहीं बातें निकल रही हैं वो सुन करके निश्चित तौर पे आप भी भावुक हो जाएंगे। साथ ही बात करेंगे होमगार्ड नई भर्ती के बम्पर विज्ञापन के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफ स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं सीधे ऑफिशियल जानकारी के साथ। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि सीएम योगी के माध्यम से 4 जून 2024 के बाद से एक के बाद एक बैठक भर्तियों को लेकर की जा रही है और इन भर्तियों के अंदर लगातार कहीं ना कहीं जो अपडेट है वो भी जारी हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी के माध्यम से आज की तारीख में आप सभी के लिए 3 अलग अलग बैठक जो आयोजित की गई थी, जिसके अंदर पहली भर्ती कहीं ना कहीं उनसे संबंधित थी, या फिर यूं कहें कि जो भर्तियों से संबंधित मामला है उससे संबंधित न होकर दूसरे मामलों को लेकर थी। लेकिन जो दूसरी बैठक है वो भर्तियों से संबंधित और जो तीसरी बैठक है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है, जो संविदा भर्ती देखने के लिए मिलती है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर आप सभी को नौकरियां मिलती हैं उससे संबंधित। और इस मामले को लेकर तीनों बैठकों के बारे में जानकारी आज ही के अलग अलग न्यूज़ चैनलों के माध्यम से भी दी गई थी। यहां पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि लखनऊ सीएम योगी के माध्यम से आज 3 बैठक थी, ठीक है। 3 में से पहली बैठक यहाँ पर आयोजित की गई थी 11:30 बजे से, जिसका जो कहने की ख़त्म होने का समय था वो 5 बजे था। और उसके बाद में जो दूसरी बैठक आप सभी को देखने के लिए मिलती है वो 6:15 बजे से थी, जिसके अंदर भर्तियों को लेकर डिस्कशन किया जाना था और इसके बारे में भी जानकारी जारी कर दी गई है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टाम्प और निबंधन विभाग से संबंधित पहली बैठक थी जो कि ख़त्म हो गई है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए दूसरी बैठक के बारे में तो वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। ये जो बैठक आप सभी को देखने के लिए मिल रही है होमगार्ड भर्ती को लेकर, होमगार्ड भर्ती के बारे में 6:15 बजे आप सभी की जो बैठक वो सीएम योगी के आवास पर आयोजित की गई, जिसमें लगभग 32,000 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को लेकर सीएम योगी के सामने डाटा प्रस्तुत किया गया। अब इस मामले को लेकर जो बैठक आप सभी की 6:15 बजे है, उस बैठक के तुरंत बाद एक और बैठक है जिसका समय थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो तीसरी बैठक रखी गई थी वो 7 बजे का समय दिया गया था। लेकिन आप जानते हैं कि निश्चित तौर पर जब बैक टू बैक बैठक होती है तो थोड़ा समय ऊपर नीचे भी हो जाता है। तीसरी बैठक के बाद में जो कहने की फाइनल डिसीजन होगा वो यहाँ पर सरकार के माध्यम से ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद माध्यम से बता दिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो होमगार्ड भर्ती को लेकर इंतजार किया जा रहा है 32,000 से अधिक पदों में भर्ती के बारे में, इसको लेकर क्या डिसीजन हुआ है, कब तक इसका विज्ञापन जारी करना है और इसके बारे में सीएम योगी के माध्यम से क्या अपडेट है, उसको लेकर तमाम वो जानकारी देर शाम तक यानी कि रात को 9-10 बजे तक आप सभी को दे दी जाएगी, जब ये सारी की सारी बैठकें ख़त्म हो जाएंगी और बैठक ख़त्म होने के बाद फाइनल डिसीजन जारी हो जाएगा। तो पहली अपडेट तो आप सभी के लिए संबंधित है होमगार्ड भर्ती को लेकर, जहाँ पर सीएम योगी के माध्यम से अपने आवास पर आज बैठक आयोजित की गई थी और तमाम आला अधिकारियों को बुलाया गया था। लेकिन इसी के साथ अगर बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, क्योंकि हाल ही में जब सीएम योगी के माध्यम से बैठकें की गई थी तो उसमें यूपीपीएससी इसके अलावा यूपीडब्ल्यूएससी से आने वाली तमाम उन भर्तियों को लेकर समीक्षा की गई थी और साथ ही साथ ये कहा गया था कि जो भी भर्तियां हैं उनसे संबंधित प्रोसेस शुरू कर दिए जाएं। अब यूपीपीएससी की वो भर्ती हो तो उसके जो अध्याचन है वो लेकर के सरकार के माध्यम से भेज दिए जाए लोक सेवा आयोग को, और अगर किसी भर्ती में कोई विवाद है जैसे कि समकक्ष योग्यता या इससे संबंधित कोई अन्य विवाद तो उन विवादों को शासन स्तर से निस्तारित करते हुए उनके जो विज्ञापन है वो यहाँ पर जारी कर दिए जाएं। तो सीएम योगी के माध्यम से हाल ही में इन तमाम मुद्दों को लेकर डिस्कशन किया गया था, चाहे वो समकक्ष योग्यता का विवाद हो या अध्याचन का मामला, क्योंकि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में दोनों के दोनों मामले लटके हुए थे। एक तो समकक्ष योग्यता का काफ़ी लंबे समय से, और दूसरा जब हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने जो अध्याचन है वापस भेज दिए थे, ये कहते हुए कि जो अध्याचन एलटी ग्रेड के भेजे गए हैं वो ऑफलाइन माध्यम से हैं, इनको ऑनलाइन भेजा जाए।
तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यही था कि अब एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन कब तक जारी होगा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी इंतजार कर करके थक चुके हैं। तो जो जानकारी देखने के लिए मिल रही है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर, वो ये है कि शासन स्तर से जो समकक्ष योग्यता का विवाद है उसके संबंध में शिक्षा निदेशालय और तमाम आला अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जो भी भर्तियाँ समकक्षता की वजह से फंसी हुई हैं उनको कहने की जो प्रोसेस में लाया जाए, और जो मामले शासन स्तर से लंबित हैं उनको क्लियर किए जाने को लेकर निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना यह है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर भी जो काम है वो जल्द शुरू हो सकता है, और शासन के माध्यम से इस मामले को लेकर जो स्पष्टीकरण है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दिया जाएगा। रही बात इसके अध्याचन के बारे में, तो उनका कहना यह है कि रिक्त पदों का डाटा यहाँ पर राजकीय विद्यालयों में अगर मांगा जाता है तो दोनों के दोनों डाटा को कलेक्ट करके यहाँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को ऑनलाइन माध्यम से अध्याचन भेजने का काम किया जाएगा, जिसमें निश्चित तौर पर थोड़ा सा समय तो लगेगा, लेकिन अधिकारियों का कहना यह है कि अगर शासन की तरफ से इसी प्रकार जो कह सकते हैं कि उनकी तरफ से जो एक्टिवनेस देखने के लिए मिल रही है वो लगातार भर्तियों को लेकर काम कर रहे हैं, अगर ऐसे ही आदेश देते रहे तो जो भी अधिकारी इन भर्तियों को लटकाते रहते हैं, चाहे वो समकक्ष योग्यता की वजह से हो या आरक्षण मामले को लेकर हो या भर्तियों के अध्याचन के बारे में, वो बिल्कुल भी नहीं रुकेगी और जल्द से जल्द भर्तियों के विज्ञापन जारी हो जाएंगे। तो अच्छी बात यह है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर भी उम्मीद देखने के लिए मिल रही है कि अगर इसी तरीके से सरकार काम करती रही तो इसका जो विज्ञापन है बहुत जल्द जारी हो जाएगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी में 6 साल बाद आई भर्ती को लेकर भर्ती की नोटिस के बारे में। छात्र बोले कि भाई 6 साल आपने क्यों तड़पाया, और निश्चित तौर पर तड़पाते हैं उत्तर प्रदेश के आयोग, चाहे वो कोई भी भर्ती आयोग हो, वो सभी के सभी कहीं ना कहीं बेरोजगार अभ्यर्थियों को तड़पाते रहते हैं, भर्तियों को लेकर लटकाते रहते हैं, इंतजार करना पड़ता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, अब समय लग चुका है उसका तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन अब जो समय निकल जाने के बाद जो समय बचा हुआ है कम से कम उसी पर आयोग और सरकार थोड़ा एक्टिव हो जाए तो बहुत सारे बेरोजगार अभ्यर्थियों का भला हो सकता है। इसी के संबंध में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, आप चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर लो, और यहाँ पे आप सभी के सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग के माध्यम से 22 जून 2024 यानी कि आज ही की तारीख में ये नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। आयोग की विज्ञापन संख्या 5/2018 का ये भर्ती है, और ये जो भर्ती निकाली गई थी वो मंडी परिषद को लेकर थी। मंडी परिषद का विज्ञापन 2018 में निकाला गया था, और उसके लिए काफ़ी लंबे समय से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो अलग अलग भर्तियों में आवेदन किए थे, और अगर सही समय पर नौकरी मिल गई होती तो दूसरी भर्तियों के पद भी बच जाते। लेकिन अब ऐसे में मंडी परिषद को लेकर जो भर्ती का प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है, और इसके संबंध में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दी गई। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, यहाँ पे जानकारी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। जो भी चयनित अभ्यर्थी उनके अनुक्रमांक, इसके अलावा जो डाटा है वो जारी कर दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।